जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोविड-19 के लिए किए गए इन्वेंशंस के बारे में। इस एनालिसिस में हम इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, DRDO's रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19 एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय DRDO फॉर कॉम्बैटिंग कोविड-19। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से अपने रिस्पॉन्सेज चेक करवाते हो और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 7507588680। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चर 8 स्कैन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में फॉर्म हुई थी। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट DRDO भवन न्यू दिल्ली। इसके प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, विच मीन्स स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। DRDO हैज बीन अलर्ट सिंस द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वॉज रिपोर्टेड इन इंडिया एंड सिंस देन DRDO लैबोरेटरीज हैव बीन गियर्ड अप टू सपोर्ट द नेशनल मिशन टू कॉम्बैट कोविड-19। And as a result of that, DRDO is ready with its technologies and solutions which can be utilized for combating COVID-19. Before we begin to discuss the inventions, let's have a look at the full forms of some important abbreviations of organizations led by DRDO. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये सभी abbreviations upcoming inventions में यूज किए गए हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। इनके फुल फॉर्म्स के साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस की लोकेशन भी मैंने दी है जो आपको इन फ्यूचर एसएसबी इंटरव्यू में काम आ सकती है, क्योंकि बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्रिटिकल इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय DRDO। सो फर्स्ट कम्स हैंड एंड सर्फेस सैनिटाइजर। WHO के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से ये सैनिटाइजर DRDE ग्वालियर एंड सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है एंड इट इज सोल्ड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ 120 rupees पर लीटर। टिल टुडे 3.9 lakh यूनिट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। देन कम्स द एडवांस्ड फेस मास्क। DRDE ग्वालियर हैज डेवलप्ड अ 5-layered N99 मास्क यूजिंग अ नैनो फिल्टर लेयर और इसके 1 lakh यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं। DRDE ग्वालियर ने डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स के लिए बायो सूट्स भी डेवलप किए हैं। ये सूट्स इम्परमिएबल है, मतलब इनके आर पार कोई चीज नहीं जा सकती, बट एट द सेम टाइम ब्रीदिंग के लिए एयर फ्लो भी होता रहता है। रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने मिलकर फुल फेस प्रोटेक्शन शील्ड तैयार की है। ये शील्ड्स बहुत लाइट वेट और काफी देर तक पहनने के हिसाब से काफी कम्फर्टेबल है। DRDO के तरफ से एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क, जिसे कोवसैक भी कहा जाता है। कियोस्क एक स्टैंडिंग बूथ होता है, जैसे पुराने जमाने में टेलीफोन बूथ हुआ करते थे। ये कियोस्क डॉक्टर को सस्पेक्टेड पर्सन के सैंपल कलेक्ट करने के लिए मदद करता है। इससे कोई फिजिकल टच नहीं होता और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सैंपल कलेक्ट करने के लिए हेल्थ वर्कर्स कियोस्क में लगे ग्लव्स के थ्रू सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट हो जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। फिर है नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी कोची द्वारा बनाया गया बॉडी टेम्परेचर प्रोब। ये किट बहुत कम समय में और हाई एक्यूरेसी के साथ टेम्परेचर रीडिंग प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं वेंटिलेटर्स जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बैंगलोर एंड सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाए हैं। व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अहमदनगर, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली ने साथ मिलकर फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चेंबर्स बनाए हैं, जिसे कहा जाता है पर्सनल सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट। इस चेंबर में डिसइंफेक्शन का प्रोसेस चेंबर के एंट्री पे लगे हुए पेडल पे पैर रखते ही शुरू हो जाता है और चेंबर में एंटर करते ही इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप्स डिसइंफेक्टेंट्स की बौछार कर देते हैं। इस तरह के कुछ और सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे पोर्टेबल बैकपैक एरिया सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट, व्हीकल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर एंड ट्रॉली माउंटेड लार्ज एरिया सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट। फिर है यूवी बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंडहेल्ड यूवी डिवाइस। ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा डेवलप किया गया और डिजाइन किया गया है। यूवी बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे फोन, करेंसी, पर्स, वॉलेट, फाइल्स एक्सेट्रा को डिसइंफेक्ट करने के लिए बनाया गया है।
और हैंडहेल्ड यूवी डिवाइस ऑफिस या घर के ऑब्जेक्ट्स जैसे चेयर, टेबल, बाहर से खरीदे हुए फूड पैकेट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस डिवाइस के एक्सपोजर में 45 सेकंड्स तक रहने से भी कोविड-19 के वायरस डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह के और भी डिसइंफेक्टर्स बनाए गए हैं जैसे पेपर डिसइंफेक्टर और ऑटोमेटेड लगेज डिसइंफेक्टर। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लैबोरेटरी द्वारा बनाया गया ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जनरेट करेगा। इसे कोयम्बटूर के एक फर्म में भेज भी दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट की हेल्प से कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की स्कार्सिटी को कम किया जा सकता है। देन कम्स आइसोलेशन सेंटर फॉर मल्टीपल ऑक्यूपेंट्स, ये भी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लैबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। इससे पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन का डर खत्म हो जाता है। फिर आता है कॉन्टैक्ट लेस हैंड सैनिटाइजर मेड बाय सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। ये डिस्पेंसर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सैनिटाइजर रिलीज करता है। अब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे द्वारा बनाया गया कंटेनराइज्ड टेस्ट लैब मॉड्यूल। ये मॉड्यूल टेस्टिंग के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को अकोमोडेट करने की भी क्षमता रखता है। ये टेस्ट लैब मॉड्यूल रिमोट लोकेशंस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देन कम्स द मल्टी पेशेंट वेंटिलेशन किट, जो सिंगल वेंटिलेटर को कन्वर्ट करके मल्टीपल पेशेंट्स के यूज के लिए बनाई जा सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है संपर्क, स्मार्ट ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड रिस्क फॉर कोविड-19। ये एप्लीकेशन कोविड-19 के सस्पेक्ट्स को जो आइसोलेशन या क्वारंटाइन के अंडर है उन्हें ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ये एप्लीकेशन पेशेंट के स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जाता है और एक सर्वर साइड एप्लीकेशन के द्वारा स्टेट अथॉरिटीज इन पेशेंट्स को ट्रैक कर सकती है। ये ऐप पेशेंट की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता और सिर्फ क्वारंटाइन की लोकेशन और पेशेंट की करंट लोकेशन को मॉनिटर करता है। इन सारे इन्वेंशन के अलावा भी DRDO स्टिल कई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगातार कर रहा है जो इंडिया की इस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में बहुत साथ देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के GD लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। SSB एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहाँ आफ्पा असेसर्स डेली SSB ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी SSB रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक SSB मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है जिसपे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए GD लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।